हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अभी फिलहाल जाने के लिए खूबसूरत जगह पे। एकदम मस्त जगह है वो, इतना सुंदर जगह है ना आपको पता चलेगा, जाके पता चलेगा। तो आप देखते रहिए, लीजिए गाइस, यह है नेशनल हाईवे। ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग का, मतलब हमारे घर से अराउंड 15 किलोमीटर होगा शायद। उस जगह का नाम बाद में पता चलेगा आप लोग को, जाके बताऊंगा मैं। जगह इतना सुंदर है, आगे पहुँच चुके हैं तेलीपारा, और ये गुसाईगांव से अराउंड 6 या 7 किलोमीटर होगा ये तेलीपारा, और यही मेन मार्केट है। तो हम लोग का और भी दोस्त है, वो दीदी बनर बुद्धो, वो फिलहाल आगे जा चुके हैं, वो लोग बहुत ही तेज जा। और ये रहा नया टोल गेट तेलीपारा का। तो आप लोग जब आओगे उस साइड से गुवाहाटी से, तो पाटगांव में एक टोल गेट करेगा, फिर उसके बाद इधर डायरेक्ट तेलीपारा में आके टोल गेट करेगा। अभी तक बन के रेडी नहीं हो पाया, शायद हो जाएगा 3 साल। ये रोड जो है नेशनल हाईवे, डायरेक्ट कनेक्ट होता है वेस्ट बंगाल पे, और ये मतलब आप लोग समझ सकते हैं बॉर्डर रोड है, तो आसाम एंड वेस्ट बंगाल के। गाइस हम लोग आ चुके हैं गलत रास्ते पे, हम लोग का रास्ता पता नहीं था, तो उन दोनों को पता था, वो लोग पीछे है, तो फिलहाल घूम के जा रहे हैं। फिर से ये सब तो मतलब रूट नहीं है जाने का, तो ये क्या है, एक बाइक पे 3, मतलब वो सुंदर जगह जाने के लिए जो रास्ता लेना चाहिए हम लोग उधर से जा रहे हैं। तो आप लोग को जल्दी से वो जगह देखने को मिलेगा, और वो रहा वो दोनों इतना इसके ये रहा, ये दोनों बहुत ही स्पीड आया था। तो हम लोग फिलहाल श्रीरामपुर आके पहुंच चुके हैं, श्रीरामपुर के अंदर से जाना पड़ता है इस रास्ते से, तो उस सुंदर जगह को मिलता है। ब्रो कैसा लग रहा है जाने में? बहुत अच्छा लग रहा है बाप, जिसको पता है हाट बाजार, जिसको पता है बहुत ही बड़ा बाजार है बाप रे बाप। जगह भी सुंदर है, कितना सुंदर जगह पे बाजार है। आप लोग कहीं पर जाने वाले हो स्कूटी से बाइक से, तो जरूर हेलमेट यूज़ कीजिए। हेलमेट हम चारों ने हेलमेट पहन के रखा है, अच्छा लग रहा है। 5 मिनट और सिर्फ 5 मिनट हम लोग पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमको जाना है। ये है पत्थर का मील, जहाँ पे पत्थर निकलता है बिल्डिंग या घर बनाने के लिए, इतना बड़ा जगह है, देख सकते हैं, देखने में कुछ अच्छा लगता है। इतना ऊँचा ऊँचा पहाड़ है, देख सकते हैं पत्थर का। गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद, जगह इतना सुंदर है भाई, मतलब आप लोग कैमरे में नहीं देख पाओगे, इतना सुंदर जगह है ना, मस्त एकदम ब्यूटीफुल पूरा जगह, बहुत ही अच्छा है ना, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, पिकनिक के लिए भी बहुत अच्छा होगा। एकदम चारों तरफ खुला मैदान और कितना सुंदर सुंदर पेड़ भाई, ऐसा लगता है इसके पास भी 4x4 कार है या थार है। यहाँ पे आके इतना मज़ा लगेगा ना, चल खुला मैदान है, रास्ता ये पूरा ऑफ रोडिंग का रास्ता है। गाइस हम लोग आके पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर बाद दिखाते हैं आप लोग को इस जगह का, इतना ब्यूटीफुल जगह है, इतना सुंदर जगह है, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा, इतना सुंदर जगह है। तो गाइस हम लोग आके पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है, ये जो सुंदर जगह है उस तरफ है भूटान, ज़्यादा दूर नहीं है शायद 10 किलोमीटर होगा। हम लोग
लोग इधर फिलर घूम रहे हैं थोड़ा, इतना सुंदर जगह है। और इधर अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा जगह है ना। हाँ। इतना सुंदर, दिल खुश हो गया। आप लोग का टाइम होने से आइए इधर घूमने के लिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा पूरा। इतना सुंदर जगह है ना, आके मतलब देख के, पानी देख के नहाना का मन हो रहा है। इतना ठंडा ठंडा पानी है गाइस, बाप रे बाप। थोड़ा जाते हैं इधर, बहुत ही ठंडा है इधर, और बहुत इधर पत्थर पे बहुत फिसलन है पूरी भाई। अरे विवेक कहाँ रह गए तू, माजाओ। देख सकते हैं गाइस, हम लोग एकदम नदी के बीच में है। इस नदी का नाम है संकोश, और ये मतलब बंगाल एंड आसाम का बॉर्डर है बोल सकते हैं। और उस तरफ है ब्रिज, तो नेशनल हाईवे। देख सकते हैं कितना सुंदर पानी है और कितना साफ पानी है, डायरेक्ट भूटान भूटान पहाड़ से आता है। और इस नदी का नाम अभी एक हम लोग एक गेम खेलेंगे, जिसका मतलब पत्थर से वो गेम होता है। तो तीन ये तीन बंदा खेलेगा, किसका किसका ज़्यादा मतलब बाउंस करता है पत्थर नदी में, ये लोग थ्रो करेगा। तो देखिए, मैं एक बार सोच रहा हूँ, मैं भी एक बार थ्रो करके देखूँ इसे कितना बाउंस करता है। चार खाया था। गेम स्टार्ट होने वाला है, इन तीनों में कॉम्पिटिशन होगा कौन फर्स्ट सेकेंड आएगा, और तीन बार ही चांस मिलेगा। पहला चांस मिलता है विवेक को, विवेक 1 2 3 टू पॉइंट। यतिमन का बारी, दो यतिमन 1 2 3 स्टार्ट। इसको भी 2 पॉइंट मिलता है। अबे बुद्ध का बारी, तो पता नहीं इसको कितना मिलेगा। 1 बाप रे 2 इसका राउंड था, आपको दूसरा राउंड दे विवेक। 1 2 3 1 2 3 और तीन बार, इस बार इसको 3 पॉइंट। यतिमन का बारी, फर्स्ट राउंड में 2 पॉइंट मिला था इसको, अब कितना मिलने वाला है सेकेंड राउंड में देखते हैं। देयर डिटरमाइन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 बाप डिटरमाइन का 7 पॉइंट मिल गया, 7 पॉइंट। अबे बुद्धों का बारी, तो सेकंड राउंड में पता नहीं कितना मिलेगा, फर्स्ट राउंड में 2 मिला था। देखिए 1 2 3 तीन राउंड मिला। अब अगर थर्ड राउंड, इसमें जो जीतेगा उसको मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए प्राइस दूंगा। आएगा धीतिमन का बारी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड का पॉइंट मिला के ये फर्स्ट आया है, तो थर्ड राउंड में इसको फर्स्ट चांस मिलने वाला है। तो धीतिमन, मैंने ये छोटा पत्थर लिया है इसके लिए, तो देखते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 इस बार थर्ड राउंड में इसको 5 पॉइंट मिला। इस बार आएगा बुद्ध का बारी, बुद्ध स्टार्ट। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ओ भाई थर्ड राउंड में इसको 6 पॉइंट मिल गया डायरेक्टली। अब लास्ट में विवेक का बारी, क्योंकि इसका सबसे कम पॉइंट है। तो विवेक 1 2 3 1 2 इस बार ये सब लास्ट ही लास्ट। गाइस तीन राउंड का पॉइंट मिला के विनर हुआ हमारे ये बुद्ध। बुद्ध इस गेम का विनर है। तो बुद्ध कैसा लग रहा है इस गेम में? अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं हारा नहीं अभी तक। ये सबका लास्ट आया है विवेक। मैंने इस बार मोबाइल पकड़ा है, क्योंकि हम लोग का इस बार ब्लॉगर ने अभी पार्टिसिपेट किया है, तो देखते हैं क्या होता है। ब्लॉगर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, थैंक यू। मुझे देखिए गाइस, तो अभी आखिरी राउंड है, अभी मैंने लास्ट राउंड में मेरा 3 पॉइंट हो गया, फिर भी अच्छा था हुआ, इससे तो अच्छा हुआ इसको लास्ट राउंड में 2 पॉइंट मिला था। हम लोग जा रहे हैं घर वापस, तो और कभी आएंगे इधर, इतना सुंदर जगह पे आने का तो मन करता है, जाने का भी नहीं मन करता, इतना सुंदर जगह जो है। घूमते घूमते भूख लग गया इन लोगों को, तीनों खा रहे हैं। अभी जाने वाले मार्केट, थोड़ा काम है उधर। गाइस हम लोग आके पहुंच चुके हैं घर भाई, टाटा एंड कॉमन एंड सब्सक्राइब।